हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी कोई अच्छे होंगे। दिन है आज वेंसडे का, मॉर्निंग का ये व्लॉग है और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है आप लोग के लिए, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, शुरुआत हो चुकी है सुबह की। सुबह सुबह मैं पीने वाली हूँ गर्म पानी। यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी किया है और कल जैसे कि था इंडिपेंडेंस डे, सभी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा रहा कल का दिन हमारा। अभी मैं सब्जी चॉप कर ले रही हूँ, तो आरब का स्कूल है उसे मैं टिफ़िन में आज भिंडी फ्राई साथ में पूरी देने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं सब्जियाँ चॉप करके रख ले रही हूँ। अभी मैं उसे टिफ़िन में प्रॉपर खाना डाल के देती हूँ, क्योंकि इसी टाइम से हैबिट बन जाएगा बच्चों लोग का, फिर बड़े क्लास में जाएंगे तो छुट्टी भी लेट से होगा, तो उस टाइम पे उन लोग को प्रॉपर खाना चाहिए, वरना फिर बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो मैं अभी से उसको आदत डाल रही हूँ खाना का इस तरह से। और उसके नाश्ते के लिए मैंने बनाया है ओट्स, तो यहाँ पर मैंने मसाला ओट्स रेडी कर लिया है, गर्मा गर्म मैं उसे भी खिला दूँगी। तो फाइनली आरब चला गया है स्कूल और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और आज मैं थोड़ा सा बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज करना है, और वीकली जो मैं अपना क्लीनिंग करती हूँ घर का वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए ब्लैंकेट को भी अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है, मैं कुशन वगैरह जितने भी तकिया वगैरह है उसे भी मैंने साइड में रख दिया है। बेड में क्रीम वगैरह रखा हुआ था, आरब को जब रेडी करती हूँ तो इस तरह से बेड में रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी बेडशीट वगैरह थे थोड़े बहुत गंदे इस तरह से बेड में भी पड़ जाते हैं, जैसे कि कभी पढ़ाई वगैरह करता है तो उसे भी मैंने झाड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने बेड में बेडशीट बिछा दिया है। उसके बाद आ जाते हैं अपना साइड टेबल में, और साइड टेबल में कुछ इस तरह का हाल हो जाता है रात भर में, तो यहाँ पे सुबह के टाइम में मैं इसे भी डस्टिंग कर देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे अच्छे से बिछाने के बाद कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं साइड में रखती हूँ जो कि मुझे ज़रूरत पड़ता है बेड में आने के बाद। यहाँ पे जो नीचे में ड्रॉवर है इसमें कुछ बहुत फालतू चीज़ें रखी हुई रहती है, तो वीक में मैं इसे एक बार क्लीन ज़रूर कर देती हूँ ताकि जो फालतू चीज़ें हैं उसे मैं साइड करके हटा दूँ। तो ये जो पर्ची आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली डॉक्टर का पर्ची है, मैंने कुछ दिन पहले ही आरब को डॉक्टर को दिखाया था, तो उसका पर्ची भी मैं इस जगह पर रख दी थी, उसे भी मैं साइड करके हटा दूँगी। और जो ज़रूरी सामान है बस उसे ही मैं इसमें रखूँगी। ड्रॉअर को मैंने अच्छे से क्लीन करके कुछ कुछ सामान मैंने इसमें रख दिया है, और जो मुझे फेंकना था उसे मैंने यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद आ जाते हैं हॉल में, और हॉल का स्थिति अभी कुछ इस तरह से है। आप लोग सामने जो देख रहे हैं चेयर में ग्रॉसरी रखा हुआ है, और यहाँ पे ये वाला टेबल में आरब के बुक्स रखे हुए हैं, कलर वगैरह सब कुछ इस तरह से बिखरे हुए रहते हैं। शाम के टाइम में या तो फिर रात के टाइम में पढ़ाई करता है तो ऐसे ही बाहर में रख देता है। तो यहाँ पर मैं जितने भी सामान है ना सबको पहले अपने अपने जगह पर रखूँगी, और कुछ बैटरी वगैरह भी रखा हुआ है उसे भी मैं अपनी जगह पर रखूँगी। और ये वाला एरिया को मैं तो हर दिन ही डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला एरिया ऐसा है कि आँख के सामने हर टाइम में रहता है, तो इसे मैं एक बार भींगा कपड़ा से पोंछ दूँगी अच्छे से तो ये क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा विम बार का लिक्विड भी ख़त्म हो गया था तो मैं इसे रिफ़िल कर दी साथ ही साथ। और कुछ बर्तन रखे हुए थे जो मैंने आरब को नाश्ता वगैरह कराया था, इनफैक्ट हम लोग भी नाश्ता वगैरह किए थे, तो वो सारे बर्तन को भी मैं इसी टाइम पर क्लीन करके रख लूँगी। छुट्टी के दिन अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जितने भी डस्टिंग वगैरह जो मेन काम है वो सब करेंगे, बट छुट्टी के दिन इतने सारे काम निकल जाते हैं ना कि वो सब काम होते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आज वीकडे में ही लग गई हूँ काम करने में। ये जो हमारा मिरर है इसे हम लोग हर टाइम ही यूज़ करते हैं, जब भी हाथ धोने आते हैं तब भी एक बार चेहरा इसमें ज़रूर देखते हैं, तो इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो हर दिन एक बार कपड़े से मैं वाइप ज़रूर कर देती हूँ, बट डीप जो मैं इसे क्लीन करती हूँ वीक में एक ही बार करती हूँ। और हाथ में इस तरह से स्कॉच ब्राइट से लेके अच्छे से लिक्विड थोड़ा सा लेके रगड़ देती हूँ ना तो बहुत अच्छे से ये चमक जाता है। थोड़ा सा सुन के आप लोग को आश्चर्य लग रहा होगा, बट मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ तो बहुत अच्छे से ये क्लीन होता है। फिर पानी से मैं इस तरह से धो ले रही हूँ, और ये जो पानी मैं गिरा रही हूँ ना नीचे बहुत ज़्यादा पानी इस तरह से हो जाता है, तो मैंने एक कपड़ा रखा हुआ है ताकि वो सोख कर ले।
उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बेसिन है ना उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो बेसिन को मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ, हार्पिक थोड़ा सा डाल के और एक ब्रश की सहायता से इसे मैं रगड़ देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए रगड़ के छोड़ देती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से ना चमक जाते हैं, एकदम न्यू टाइप का ये लग जाता है। हार्पिक मैंने डाला है इसलिए मैं इसे हाथ से टच नहीं कर रही हूँ, ब्रश की सहायता से कर रही हूँ, क्योंकि ये हार्पिक ऐसा चीज़ है ना कि हाथ को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, ख़राब हो जाता है हाथ। तो इस तरह से मैं अब ब्रश की सहायता से कर रही हूँ। उसके बाद नीचे का पार्ट को भी मैं भीगा कपड़ा से पोंछ दी हूँ, थोड़ा बहुत पानी नीचे भी आया था। उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने हॉल में, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने सोफ़ा को भी आज क्लीन करने वाली हूँ। इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इस तरह से जम जाते हैं अगर वीक में एक बार साफ ना करें तो। तो भींगा एकदम लाइट भींगा कपड़ा से मैं इसे पोंछ रही हूँ, क्योंकि ये लेदर का है, रेक्सिन है, तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए एकदम लाइट मैंने कपड़ा को भींगाया है और इस तरह से पोंछ रही हूँ, तो ये आराम से निकल जाता है। तो घर के सारे क्लीनिंग हो गए हैं, मैंने नहा भी लिया है, कुछ कपड़े मैंने हाथ से वॉश किए थे उस सबको मैं डाल दे रही हूँ छत में, क्योंकि मशीन में मैं ड्राई करती हूँ तो फिर नीचे ही डालती हूँ, और इस तरह से पानी बहुत ज़्यादा गिरता है तो मैं छत में डालने का कोशिश करती हूँ, और एकदम लाइट धूप है तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, 1-2 घंटा में ये आराम से सूख जाएंगे। ब्रेकफास्ट तो हमने सुबह ही कर लिया था, और अभी मैं चाय बना रही हूँ दोनों के लिए, और साथ में मैं थोड़ी सी नमकीन भी निकाल रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ों को हम इग्नोर ना करके काम को उसी टाइम पे करें ना तो हमारे लिए काम बहुत ही इजी हो जाता है। तो जैसे कि डस्टिंग वगैरह है वो तो हर कोई हर दिन करता ही है, बट वीक में एक बार डीप क्लीन बहुत ज़रूरी है घर का। मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी कद्दू के कोफ्ते, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो सबसे पहले तो ना हमें कद्दू को इस तरह से ग्रेट कर लेना है, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, आप लोग देख ही रहे हैं, कद्दू आप लोगों को पता ही है पानी कितना ज़्यादा इसमें रहता है। तो इस तरह से ना मैं हाथ से निचोड़ के इसे साइड कर ले रही हूँ, तो हाथ से निचोड़ा उसके बाद भी पानी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने कपड़ा लिया है इस तरह से, और इस तरह से मैं इसे निचोड़ के इसका जितना भी पानी है ना उसे मैं साइड कर लूँगी। इससे हमारे कोफ्ते ना बहुत ही अच्छे बनेंगे, इसमें अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए इसका पानी सारा हमें हटा लेना है। अभी इसमें हम 2 चम्मच के करीब बेसन डाले हैं, नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, एकदम हल्का सा रेड चिल्ली का पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा जीरा का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। अभी 1/2 चम्मच के करीब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, क्योंकि तला हुआ चीज़ों में थोड़े से अजवाइन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से हाथ से रगड़ के मैंने अजवाइन डाल दिया है, 1 हरी मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, और पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कद्दू में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा था, मुझे थोड़ा सा बेसन और डालना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे, अब हम छोटे छोटे बॉल बना के ना इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। कोफ्ते का जो मेन चीज़ है वो है ग्रेवी, तो इसकी ग्रेवी अगर बढ़िया बनी तो कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो 1 कटा हुआ प्याज, 5 से 6 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 सूखी मिर्च डाल के इसका पेस्ट हमें अच्छे से बना लेना है। गरम तेल में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया, जीरा और सौंफ, और 1 सूखा खड़ा गरम मसाला। अभी वो जैसे ही फ्राई हो जाएगा ना इसमें हम डाल देंगे अपना जो पेस्ट हम बना के रखे थे उसे। इस पेस्ट को करीब 1 से 2 मिनट तक हम इस तरह से पका लेंगे चलाते हुए। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हल्दी डाला है, उसके बाद यहाँ पे रेड चिल्ली का पाउडर डाल देंगे, ये कलर बहुत अच्छा लेके आएगा। उसके बाद थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, और ये मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
इसमें एकदम हल्का सा पानी डाल के इसे मसाले को मिक्स कर लेना है, और जब तक मसाला का एक अच्छा सा खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए तब तक बस इसे हमें पकाना है। तो करीब 2 ही मिनट मुझे लगे होंगे इसे पकाने में। उसके बाद इसमें 1 टमाटर का प्योरे हम इसमें ऐड कर देंगे, इसे भी हम चला लेना है। और मसाले तो हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और मैंने नमक नहीं डाला था, तो इसी स्टेज पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ से रगड़ के मैंने डाला है। अभी इस सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और मैं इसे पकाने वाली हूँ कवर कर करके, ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। मसाले तो ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं, जैसे ये लगे ना मसाला हमारा अच्छे से रेडी है। अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो ग्रेवी इसमें मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी, एकदम हल्का ग्रेवी मैं इसे बनाऊंगी, तो पानी मैंने उतना ही हिसाब से डाला हुआ है। पानी में जैसे ही बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा ना, इसमें हम अपने कोफ्ते को डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसे आपको निकाल लेना है। तो ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसे ढक के छोड़ूंगी और जैसे ये सूख जाएगा ये हमारे कोफ्ते भी बनके रेडी हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सारा खाना मेरा बन चुका है। थोड़े से मैं अभी पापड़ निकालने वाली हूँ, तो इसी कढ़ाई में मैं फ्राई करूँगी सोची हूँ, तो इसीलिए मैं कोफ्ते को अलग कटोरा में निकाल के रख ले रही हूँ। और एक तरफ मैंने चावल वगैरह सब कुछ बना के रखा है, मैं आप लोग को एंड में दिखाऊँगी मैंने आज का जो वेज थाली है मेरा क्या क्या है। चावल के साथ हम लोग को पापड़ या तो चिप्स बहुत पसंद है, रेगुलर तो नहीं हो पाता है बट कभी कभी मैं ज़रूर फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से चिप्स मैं आरब के लिए निकालूँगी और हम लोग थोड़ा सा पापड़ भी निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा लंच जो है ना वो सब कुछ बन चुका है। यहाँ पे चावल मैंने बनाया है, एक चटनी बनाया है बादाम का, कोफ्ते हैं, दाल है और थोड़े से मैंने पापड़ निकाले हैं। तो ये है आज का हमारा वेज थाली, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा लगा खाना और कोफ्ते भी बहुत लाजवाब बने थे। अरे इतना सुंदर सा फिश, ओके बट फिश का आईज भी तुम ग्रीन क्यों किए हो, ब्लैक होगा ना क्या? फिश का बहुत सुंदर लग रहा है, वेरी नाइस। और ये तुम कब बनाए हो, ये ट्रायंगल कब बनाए हो, ये कब बनाए हो तुम? नाइस, ये देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, टाइम हो रहा है 2:30 बजे का दोपहर का, और ये देखो श्री नदी का बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ठंडा ठंडा हवा चला रहा है। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग को मैं इसी जगह पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा।